एमकेएन ट्यूबर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई के नए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो अगर बैंक में हमारा कंप्लेंट सॉल्व ना हो तो हम आरबीआई के पास जा सकते हैं अपना कंप्लेंट को लेकर। तो यहाँ पर हम बैंकिंग अम्बड्समैन स्कीम, जो बैंकिंग लोकपाल स्कीम होता है, उसके तहत हम कंप्लेंट कर सकते हैं और ये कंप्लेंट घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। पहले हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आरबीआई ने अभी 24 जून 2019 को नया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिसमें कुछ चेंजेस हैं पहले के वीडियो के मुकाबले। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, तो चलिए देखते हैं। आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं क्या है इसके पूरे डिटेल्स। तो यहाँ पर हमने rbi.org.in को ओपन कर लिया है। ये आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है और होम पेज में देखिए हमें नीचे पहले स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पे स्क्रीन के बॉटम पार्ट में कंप्लेंट का ऑप्शन है। देखिए इस कंप्लेंट के ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने कंप्लेंट का पेज खुल चुका है। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अम्बड्समैन स्कीम्स हैं लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे है क्लिक हियर टू फाइल ए कंप्लेंट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए कंप्लेंट का पेज, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे सामने ओपन हो चुका है और हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन है, फाइल ए कंप्लेंट, ट्रैक योर कंप्लेंट, फाइल एन अपील। अब पहले ये जो ट्रैक का ऑप्शन नहीं हुआ करता, तो हम ट्रैक भी कर पाएंगे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर हम अपना कंप्लेंट नंबर डाल के इसको ट्रैक कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल नहीं था, नए कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। तो इसको हम फाइल ए कंप्लेंट को अभी सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए आरबीआई का लोगो लोड हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, विजुअली अच्छा लग रहा है। अब कंप्लेंट फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। देखिए पहले हमें टाइप ऑफ एंटिटी इसको सिलेक्ट करना है। इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। देखिए बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और सिस्टम पार्टिसिपेंट है, तो इसमें से हम बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने बैंक को सिलेक्ट किया तो नीचे अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑफ कंप्लेंटेंट, यानी कि हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीओ बैंकिंग ऑम्बड्समैन, यानी कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया के बैंकिंग ऑम्बड्समैन कौन है। तो यहां पर देखते हैं कि हमारे लिए क्या ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे बीओ रायपुर का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब स्टेट आ गया है छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट में हमें देना है कोरबा, हाँ कोरबा यहाँ पे है। बैंक नेम, कौन सा बैंक के खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे देखिए इतना सारा ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है। हमारा जो भी बैंक है उसके हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ईच कंप्लेंट रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, अगर हमारा क्रेडिट कार्ड से संबंधित कंप्लेंट है तो इसको हम यस करेंगे, नहीं तो ये पहले से ही नो है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। बैंक कैटेगरी अपने आप आ गया है, बैंक ब्रांच नेम भी आ चुका है। नेम में हमें अपना नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर हम अपना ईमेल आईडी जो है वो मेंशन कर देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहां पे दिखा रहा है इज कंप्लेंट सब जूडिस और अंडर आर्बिट्रेशन, इसका मतलब ये है कि हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं क्या उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, कोर्ट में केस वगैरह पेंडिंग है, ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो हम यहाँ पे कंप्लेंट नहीं कर सकते, बैंकिंग ऑम्बड्समैन आरबीआई की वेबसाइट पर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है तो हम इसको नो कर देना है। और देखिए अब दूसरा ऑप्शन भी आ चुका हैव यू मेड ए रिटन और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट टू द बैंक, तो हमें पहले बैंक में कंप्लेंट करना है, अगर कंप्लेंट सॉल्व नहीं होता है तभी हम आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, तो इसको हमें यस कर देना है। देखिए डेट ऑफ कंप्लेंट, कब हमने बैंक में कंप्लेंट दिया था, तो यहां पर कैलेंडर हमारे सामने ओपन हो चुका है। कंप्लेंट कैटेगरी, देखिए कंप्लेंट कैटेगरी में अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, तो अगर एटीएम कार्ड से जुड़ा कंप्लेंट है तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। ग्राउंड ऑफ कंप्लेंट में भी अलग अलग ऑप्शन है हमारे सामने, तो देखिए अगर पैसे कट गए हैं और अकाउंट से पैसे कट गए हैं और एटीएम से पैसा नहीं निकला है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड बाय एटीएम। अब डिस्क्रिप्शन अपने आप आ चुका है, देखिए हमें इसमें कुछ करना नहीं है, अपने आप आ चुका है।
हैव यू रिसीव्ड रिप्लाई फ्रॉम द बैंक, क्या हमें बैंक से कुछ रिप्लाई मिला है। तो मान लीजिए अगर हमने कंप्लेंट किया था, कंप्लेंट सॉल्व ही नहीं हुआ, रिप्लाई मिला कि आपका कंप्लेंट रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हम इसको यस कर देंगे। डेट ऑफ रिप्लाई, रिप्लाई कब मिला था, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कंप्लेंटेंट डिटेल्स का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें अपना पर्सनल डिटेल जो है देने हैं, जैसे कि नेम, जेंडर, एज, कैटेगरी। कैटेगरी में हम इंडिविजुअल दे देना है और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। हमें अपना एड्रेस सही तरीके से मेंशन करना है ताकि आरबीआई की तरफ से अगर कोई लेटर आए तो सही जगह पर हमारे पास पहुंच सके। अब हमारे सामने बैंक डिटेल्स का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर दो क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला तो है, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, और दूसरा है, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो अगर हम वॉलेट यूज कर रहे थे तो इसको यस करना, नहीं तो हम इसको नो कर देंगे, और अगर ये इसको भी हमें नो कर देना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स देने हैं, जैसे कि अकाउंट कैटेगरी, इसमें हम अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अकाउंट सब कैटेगरी, इसमें सेविंग अकाउंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे हमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए कंप्लेंट डिटेल्स आ चुका है, हमने जो भी पहले फिलअप किया था। अब हमें भरना है डिस्प्यूटेड अमाउंट इन्वॉल्व, तो कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो 5000 रुपये अगर है, इसको हम एंटर कर देंगे 5000। कंपेंसेशन सॉट इफ एनी, तो अगर हमें कुछ कंपेंसेशन चाहिए तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। और देखिए फैक्ट्स ऑफ कंप्लेंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी हमारा कंप्लेंट का डिटेल्स है वो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डिटेल में लिख सकते हैं कि हमने बैंक में कंप्लेंट किया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद हमें क्या रेस्पॉन्स मिला, जो भी हमारा कंप्लेंट का फैक्ट्स है अभी तक हमारे साथ जो भी हुआ हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए डिक्लेरेशन है, इसको हम चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसको नेक्स्ट कर देना है। यहां पर नॉमिनेशन है, इसको नो ही रहने देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए कैप्चा कोड आ रहा है, इसको हमें नेक्स्ट कर देना है। अपलोड फाइल का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो हमने बैंक में जो भी कंप्लेंट किया, जो भी हमें रेस्पॉन्स मिला, उसका जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास, वो सारा फाइल यहाँ पे हमने अपलोड कर देना है ताकि हमारा केस जो है स्ट्रॉन्ग हो सके और आरबीआई जो हमारा कंप्लेंट जो है उस सॉल्व कर सके, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो हम अपलोड, यहाँ पर फाइल को अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखिए 5 MB के अंदर फाइल होना चाहिए और मैक्सिमम 5 फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस विषय पर अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसको रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।